फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकरी पॉइंट। आज है ना दोस्तों, हम नॉनवेज डिश बनाएंगे जो कि बहुत ही सिंपल, जल्दी से बनने वाली, कुछ एफर्ट्स नहीं और कुछ भी ज़्यादा परेशानी नहीं। तो बहुत ही जल्दी से हमारा ये बनने वाला है। तो मैंने यहाँ पर मटन ले लिया है, तो हमें महाराष्ट्र स्टाइल एकदम सिंपल बट स्पेशल मटन हमें आज बनाना है, जो कि बहुत फेमस है इंडिया में पूरे। तो ये है, हमने यहाँ पर मटन ले लिया है जिसे मैंने हल्दी और नमक के पास नमक डालकर इसे अच्छे से धो लिया है, वॉश कर लिया है। मटन बनाते वक्त एक बात का खास ध्यान रखिए, उसमें ज़्यादा फैट ना हो, अगर है तो निकाल कर हटा दो उसे, क्योंकि उससे टेस्ट जो है बिगड़ जाती है थोड़ी सी। तो इसीलिए तो मटन यहाँ पर हमने 400 ग्राम ले लिया है। तो यहाँ पर है कुछ पाउडर मसाले, ये हमारा होममेड गरम मसाला है जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, हर ग्रेवी में चल जाता है, तो आप हमारे पहले वाले वीडियोस में देख सकते हो। तो ये एक बड़ी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, सवा बड़ी चम्मच, आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर ले लिया है, और स्वादानुसार हम नमक भी यूज करेंगे। खड़े मसालों में सिर्फ चार चीजें हमें चाहिए होगी, स्टार अनिस आधा, यानी कि ये चक्री फूल या कर्ण फूल भी बोलते हैं इसे, तो ये आधा हमें चाहिए होगा, एक मसाला इलायची, एक हरी इलायची और दो तेज पत्ते मैंने ले लिए हैं। पीसने के लिए जो हमें मसाला बनाना है जो हमारी ग्रेवी को थिक बनाएगा, तो उसके लिए मैंने एक बड़े साइज का टमाटर काट कर ले लिया है, हरा धनिया थोड़ा सा, एक कटोरी के लगभग होगा ये, तो डंठल के साथ में लेना है, इस तरह से अच्छी टेस्ट आएगी। यहाँ पर मैंने लहसुन ले लिया है, लहसुन की कुछ कलियाँ है ये 8 से 10, थोड़ा सा अदरक मैंने 1.5 इंच तक का अदरक है कूट कर ले लिया है, खोबरा भी मैंने ले लिया है, कूट कर ही लेना है, इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हो, मैंने लगभग 2 टेबल स्पून के करीब कूट कर ले लिया है इसे। तो ये है ऑनियन, मैंने इस तरह से कट कर लिए है, रफली चॉप्ड किया हुआ है क्योंकि हमें इसे पीसना ही है। तो ये मैंने ले लिए है 3 मीडियम साइज के ऑनियंस। तो चलिए फिर प्रोसेस को स्टार्ट करते। इस तरह से मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, ऑयल में हम जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें ऑनियंस डालेंगे और इन्हें अच्छा गोल्डन या फिर ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज अच्छा ब्राउन हो चुका है, तो अब हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, तो अब हम प्याज को ठंडा होने देंगे और फिर बाद में मसाले को पीस लेंगे। प्याज अब हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो हम ये पूरा मसाला जो है इसे पीसने वाले हैं। तो मैं आपको एक ज़रूरी टिप दे दूं कि आप इस तरह की कोई सख्त चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने खोपरा अदरक वगैरह लिया हुआ है, तो ये थोड़े कड़क रहते हैं तो पीसते नहीं है, टुकड़े रह जाते हैं। तो आप सबसे पहले जो सबसे कड़क चीज़ होगी वो डालें, मैंने खोपरा डाला है यहाँ पर, फिर मैं डालूँगी अदरक और फिर उसके बाद में मैं डालूँगी लहसुन। तो ये सारी चीज़ें जो है मसाले के साथ में बहुत अच्छी तरह से पिस जाएंगी, एक भी टुकड़ा दांत के नीचे बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस तरह से आप डाल लें, फिर मैं डालूंगी इसके अंदर ऑनियन और सारे मसाले डालकर हम इसे अच्छे फाइन पेस्ट बना लेंगे। मैंने सारी चीज़ें डाल दी है, अब हम इसे एकदम फाइन पेस्ट बना लेते हैं। मसाला अच्छी तरह से एकदम फाइन पेस्ट हो चुका है, इस तरह से फाइन ही पेस्ट करनी है, दरदरा अगर रह गया तो ग्रेवी एकदम स्मूथ और गाढ़ी नहीं होगी, पतली हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर कुकर चढ़ा दिया है गैस पर, अब हम उसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच ऑयल, ऑयल अब हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे सारे खड़े मसाले जो कि हमने लिए थे। खड़े मसाले भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ मसाला, पूरा ही मसाला हम अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। मसाला अब हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, साइड साइड से ये ऑयल छोड़ने लगा है, ये इंडिकेशन है कि मसाला आपका अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले जो कि हमने पाउडर मसाले बनाकर रखे थे, ये सारे ही इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हमारे मसाले मिक्स हो जाते हैं हम इसमें डाल देंगे मटर और इसे मसाले के साथ अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर लगभग 5 मिनट तक भून कर पकाएंगे। मटर सारे मसालों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से भून चुका है, आप देख सकते हो साइड से एकदम ऑयल छोड़ने लगा ही है। तो इस वक्त हमने जो मसाला पीसा था उसे मिक्सी के जार से हम पानी निकाल के इसमें डालेंगे,
आपको जितनी थिक या फिर थिन ग्रेवी रखनी है उस तरह से आप इसमें पानी ऐड करें जितना कि लगेगा। पहले ही मटन को पकने में ज्यादा वक्त लगता है तो वैसे वो पानी ज्यादा सोख लेगा, और फिर जैसी आपको ग्रेवी चाहिए उस तरह से इसमें पानी ऐड करें। अब हम इसे ढक्कन लगाकर 5 सीटी तक, 5 से 6 सीटी हम इसमें लगा लेते हैं ताकि मटन जो है हमारा अच्छी तरह से गल जाए, एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो जिस तरह से आपके कुकर में प्रेशर बनता होगा उस तरह से आप कम से ज्यादा टाइम सेट करके लगाएं। मैं तो अब इसमें 5 से 6 सीटी लगाने वाली हूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, 6 सीटियां लगाकर मटन हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, बहुत अच्छा बन चुका है। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो देख रहे हो ना फ्रेंड्स, मैंने इसे सर्व कर लिया। कितना टेम्पटिंग, कितना डिलीशियस ये दिख रहा है, इससे भी ज्यादा वो टेस्टी होता है। मैंने ग्रेवी थोड़ी सी थिन रखी है क्योंकि हम इसे जीरा राइस के साथ खाने वाले हैं, तो आप इसे किसी भी चीज के साथ खा सकते हो, चाहे वो रोटी हो, चपाती हो या फिर जीरा राइस। जीरा राइस के साथ तो ये बेस्ट लगता है एकदम। तो मैंने इस तरह से ये बना लिया है, आप भी एक बार जरूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसे आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम नए वीडियोस बनाएंगे तो उसे देखने का मौका आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड एंजॉय।